Hello everyone, welcome back to my channel Your Learning Space. This is Tenses Part 4. Today we are going to discuss present perfect continuous tense, and this will be the last class of present tense. From next class we will start with past tense. So let's start. Perfect continuous tense. जैसे कि हम नाम से ही देख सकते हैं, इसमें perfect भी है और continuous भी है. तो इसमें perfect tense और continuous tense दोनों के rules apply होंगे. मतलब पास्ट और प्रेजेंट का लिंक होगा, जो कि हमने परफेक्ट टेंस में देखा था. और कंटिन्यूअस का मतलब है कि काम अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है. तो लेट्स सी. यूज टू टॉक अबाउट अ टास्क दैट स्टार्टेड समवेयर इन पास्ट एंड कंटिन्यूज इन प्रेजेंट. तो यहाँ पे हम देख ही सकते हैं, यहाँ लिखा है कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में भी हम उसको लिंक कर पा रहे हैं. और क्योंकि वो अभी भी चल रहा है तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस भी हो गया. तो इसीलिए इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फोर. तो अब इसमें हैज हैव कहाँ से आया? हैज हैव और बीन जो है वो परफेक्ट की सेंस के लिए आए हैं. हैज हैव तो हमने पढ़ा ही था और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म थी. तो जो एक्चुअल में बीन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, बी फॉर्म की. इसके बाद वी वन और आई एन जी जो आ रहा है वो कॉन्टिन्यूस की सेंस देने के लिए आ रहा है एक्चुअल में, जो हमें ऑलरेडी पता है. नेक्स्ट ये जो सिंस और फोर है इसको हम स्टार मार्क करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यूसली चल रहा है. तो हमने स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया था. अब कुछ एग्जांपल्स फ्रेम करने की कोशिश करते हैं. फॉर से एक गर्ल है प्रिया, सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, प्रिया हैज़ बीन, राइट. कोई भी वर्ब, वर्क को ही मान लो, वर्किंग, सिंस यूज किया हमने यहाँ पे, सिंस मॉर्निंग. तो यहाँ क्या सेंस बन रही है कि प्रिया सुबह से काम कर रही है. प्रिया हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. पास्ट में काम स्टार्ट हुआ था और अभी तक चलता ही जा रहा है. नेक्स्ट दे प्लूरल है तो हैव आएगा, दे हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours. मतलब कि वो लोग जो हैं वो डांस कर रहे हैं पिछले 2 घंटों से. 2 घंटे पहले प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी और अभी भी चलती जा रही है. नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें इस टेंस में पता होनी चाहिए वो ये है कि सेंस और फोर को हम यूज़ कहाँ करते हैं. तो सेंस को हम यूज़ करते हैं जब हमें स्टार्टिंग ऑफ टाइम मेंशन करना हो. फॉर एग्जांपल अगर हमें कहना है कि ये काम हम सुबह से कर रहे हैं तो आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग, या वी हैव बीन इंडिपेंडेंट सिंस 1947 और वी हैव बीन इन लॉकडाउन सिंस 22 ऑफ मार्च. नेक्स्ट फोर को कैसे यूज़ करते हैं? टाइम ड्यूरेशन के लिए. टाइम ड्यूरेशन एज इन ये कितने टाइम पीरियड के लिए हमने वो काम किया है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours और फॉर 9 years फॉर 20 days. इसमें टाइम ड्यूरेशन आता है और ऑल्सो हिंट क्या है कि यहाँ पे नंबर्स आते हैं मोस्टली और यहाँ पे नंबर्स कम आते हैं. आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा. इसके साथ हमारा प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे. स्टे ट्यून्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ़ येस देन डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद अदर्स. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज. ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आर इंस्टाग्राम हैंडल इज @YourLearningSpace. देयर वी हैव डेली वोकैबलरी एंड क्विज सेशंस. होप टू सी यू देयर एज वेल. थैंक यू.